मेरी चैनल ब्यूटीफुल विद इन पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ एक सनस्क्रीन के बारे में जो आप डेली यूज कर सकते हो। सो डेली यूज के लिए कौन सा सनस्क्रीन लेना चाहिए, कौन सा SPF लेना चाहिए। सो डेली यूज के लिए अगर आप इंडोर्स रहते हो, ज्यादातर आप इंडोर्स रहते हो और थोड़ा बहुत आप बाहर जाते हो, तो आपको SPF 35 में इन्वेस्ट करना चाहिए फ्रेंड्स। एंड वाउ स्किन साइंस ने अपना निकाला है नया सनस्क्रीन विच इज वाउ स्किन साइंस डेली ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA एंड UVB प्रोटेक्शन आपको मिलता है और इस सनस्क्रीन का है SPF 35। डेली यूज के लिए आप ये ले सकते हो। लाइक आपने जब अपनी क्लीनिंग टोनिंग कर ली है, मॉइस्चराइज करने के बाद आप इस सनस्क्रीन को रोज अप्लाई करें। मैं कहूं कि आपको अगर आप इंडोर्स भी रहते हो तो भी आप इसे अप्लाई करें। इसमें SPF 35 मिल जाए विच इज लाइक यू नो ग्रेट फॉर डेली यूज। तो मैंने इसे टेस्ट कर लिया है और मैंने इसे अप्लाई भी करना स्टार्ट कर दिया है। द ग्रेट थिंग अबाउट दिस इज लाइक यू नो वाउ स्किन साइंस का जो ब्रांड है ना फ्रेंड्स, ये पैराबिन फ्री, सिलिकॉन फ्री, मिनरल ऑयल फ्री होता है। सो आई रियली लाइक टू ट्रस्ट दिस ब्रांड एंड इसलिए मुझे ज्यादा पसंद है ये ब्रांड और काफी अफोर्डेबल है। 100 ml आपको मिल जाता है फॉर ₹375, लेकिन Amazon पे ऑफर्स होते हैं तो मैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगी। ये रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट्स में से है तो आई डोंट नो कि सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए अवेलेबल है कि सभी के लिए अवेलेबल है, लेकिन जो भी होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स की इसके इन्ग्रीडियंट्स क्या है, तो इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कमाल के हैं। इसमें आपको मिल जाता है एवोकाडो ऑयल, विच बहुत ही अमेजिंग नरिशिंग इफेक्ट देता है। एवोकाडो ऑयल इट्स अ वेरी गुड ऑयल फॉर अवर स्किन। साथ ही में इसमें कैरेट सीड एंड रास्पबेरी एक्सट्रैक्ट डाला है जिससे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन फ्रेग्रेंस भी बहुत ही माइल्ड है। मैंने ये भी नोटिस किया, आई थॉट कि लाइक रास्पबेरी एंड कैरेट सीड की वजह से इसमें थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आएगी रास्पबेरी की, बट नो, इट इज हैविंग अ वेरी माइल्ड ना के बराबर फ्रेग्रेंस है। And the second thing which I really liked about it is the texture of this. So pump packaging में है, so बहुत ही amazing, travel friendly, आप इसको पर्स में भी लेके जा सकते हो। If in case अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा time तक बाहर हो तो आप इसको reapply कर सकते हो, so आप इसको carry भी कर सकते हो अपने साथ। 100 ml का है, काफी छोटा है लेकिन pump packaging के साथ आता है and इसमें आपको यहाँ पे ना seal भी मिल जाती है। So इसको मैंने यहाँ से इस तरह से आपको ओपन करना है। So वहां पे सील था जो गिर गया एंड दिस इज हाउ द पंप पैकेजिंग इज। सो आपके पास इसका सील भी है तो ये बैग में यू नो पंप पैकेजिंग की वजह से कुछ भी मैस नहीं होने वाला है। सो यू कैन नाइसली सील इट एंड यू कैन टेक इट आउटसाइड। सो ये मुझे काफी इस सारी चीजें बहुत अच्छी लगी इसके बारे में। नाउ कमिंग टू द मेन थिंग विच पीपल डोंट लाइक यू नो कि सनस्क्रीन ग्रीसीनेस छोड़ता है या व्हाइट कास्ट छोड़ता है। सो आई हैव अप्लाइड इट ऑन माई फेस एंड आई सॉ लाइक यू नो कि मैंने बहुत ज्यादा भी लेके दिखा है और कम भी लेके देखा है। जब मैंने बहुत ज्यादा भी लेके देखा है, आई हैव सीन दैट इट डज नॉट लीव अ व्हाइट कास्ट। तो मैं टेस्टिंग करती रहती हूँ आपको रिव्यू देने के पहले। सो आई हैव सीन दैट आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ अमाउंट। लाइक आपको लेना ही है, आपको अच्छा खासा अमाउंट लेना है। डू नॉट टेक अ स्मॉल टाइनी डॉट एंड ऑल, यू टेक अ नाइस अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन और उसको लगाओ। सो अगर हम ज्यादा लेते हैं तो हम देखते हैं कि व्हाइट कास्ट दे देता है कोई सनस्क्रीन, तो ना ऑयली सा एंड ग्रीसीनेस छोड़ता है। ये बिल्कुल भी वैसा नहीं करता है। इट इज हैविंग अ वेरी मैट फिनिश एंड इवन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। लाइक आप जब धूप में जाते भी हो ना तो इतनी अच्छी तरह से हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड यू हैव टू अप्लाई दिस सनस्क्रीन 15 to 10 minutes या 20 minutes बिफोर यू गो आउट ऑफ द हाउस या घर पे भी, ठीक है। बाहर जाने के पहले तो आप प्लीज 10 to 15 minutes पहले ही लगाएं एंड कवर ऑल द पार्ट्स विच आर एक्सपोज, लाइक यू नो जो भी ओपन एरिया है आपके, आर्म्स हैं, लेग्स हैं, नेक बहुत लोग भूल जाते हैं। सो यू हैव टू सी दैट यू अप्लाई इट एवरीवेयर विच एवर पार्ट इज ओपन। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस सनस्क्रीन इज दैट इट इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड फ्रेंड्स, एंड इसमें वाटर रेजिस्टेंट की भी पावर है, ये मैंने देखी है। सो दैट इज ऑल्सो ग्रेट। आपको एक बहुत ही अमेजिंग डेली यूज वाला सनस्क्रीन मिल रहा है जिसमें वाटर रेजिस्टेंट वाली कैपेसिटी भी है फ्रेंड्स, और इसमें पोल्यूशन डिफेंस भी है। तो यहाँ पे छोटे से फॉन्ट में लिखा हुआ है स्किन शील्ड PM 2.5, पोल्यूशन से भी आपको हद तक ये बचा के रखता है। एंड यू नो आपको सन टैन की इशू नहीं होगी। सन बर्न्स अगर हुआ है, थोड़ा बहुत टैन भी हुआ है, तो आप इसको रोज लगाएंगे ना फ्रेंड्स, तो वो टैन भी काफी हद तक इससे इंप्रूव हो जाता है क्योंकि इसमें एवोकाडो ऑयल डाला गया है। सो दिस वाज इट अबाउट द स्मॉल रिव्यू ऑफ द वाउ स्किन साइंस डेली सनस्क्रीन विद SPF विद कैरेट सीड, एवोकाडो ऑयल एंड रास्पबेरी एक्सट्रैक्ट। आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो। अगर इसके बारे में कुछ भी पूछना है, प्लीज यू आर फ्री टू राइट एनीथिंग राइट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मैं क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर दूंगी एंड यस, इसकी परचेज लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर चेक कर लेना। And yes friends, if you are new to my channel, don't forget to hit that subscribe button before leaving. इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और जाने से पहले सब्सक्राइब करे बगैर जाना नहीं, एब्सोल्युटली फ्री है। वो रेड बटन को जल्दी से हिट कर दो, साथ ही में छोटी सी बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ सुपर सून अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना और हमेशा हंसते रहना। बाय।